स्वागत है आपका सत्यम टैग नगर त्यागी में। आज हम देखेंगे गेरतूत प्रोफाइल। पिछले वीडियो में गेरतूत का नोमेनक्लेचर और फॉर्मूले देखे थे। इस वाली वीडियो में गेरतूत प्रोफाइल का इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल देखेंगे। इसमें होते हैं मोर देन 30 टीथ, एक होते हैं लेस देन 30 टीथ। तो पहले मोर देन 30 टीथ देखेंगे, इसके स्टेप्स ये रहे। तो स्टेप्स हम फॉर्मूले जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसके साथ में स्टेप्स आपको समझाएंगे, तब बनाते हैं गेरतूत प्रोफाइल। तो हमने गेरतूत प्रोफाइल का एक क्वेश्चन ले लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें गेयर टीथ के नंबर दे रखे हैं। नंबर ऑफ टीथ है हमारे पे 24, डीपी दे रखा हमें 1.2 और प्रेशर एंगल दे रखा है 20 और यूनिट लेंथ हमें दिए सेंटीमीटर में। डीपी क्या होता है? डायमेंशनल पिच। तो डीपी की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशनल पिच होता है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिच टू द पीसीडी, यानी कि जो हमारा पीसीडी है उस पे जितने भी रेशियो बनते हैं हमारे, यानी कि बोले तो तीर बनते हैं, उनके पिच का रेशो हमारा डायमेंशनल पिच होता है। तो हमें अब निकालनी है इनकी कैलकुलेशन, जो हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले देखे थे उनकी मदद से। तो फिर हमने देखा था नोमन क्लेचर में, तो हमें एक तो चाहिए एडेंडम डाया, एक चाहिए हमें डिडेंडम डाया, हमें चाहिए एक पीसीडी, एक चाहिए सीपी। ये चार चीज़ चाहिए। तो इन चारों चीज़ों के फॉर्मूले मुझे पता है, आपने याद कर लिए होंगे, पिछले वीडियो हमने बताए थे। नहीं करे तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पीसीडी। तो पीसीडी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में डीपी। एन हमें दे रखा नंबर तीस कितने 24, डीपी है 1.2, तो हमारा निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की क्योंकि सेंटीमीटर एक यूनिट लेंथ दिया है, तो हमारा हो जाएगा 200 mm। अब निकालेंगे हम सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला होता है पीसीडी मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में एन, और एन बाय पीसीडी क्या होता है? एन बाय पीसीडी होता है हमारा डीपी। तो ये हो जाएगा पाई बाय डीपी। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। डीपी क्या है? 1.2। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 26.18 mm। तो मैं सीपी भी निकल गया, पीसीडी हमें एडेंडम डाय, एडेंडम जाया चाहिए। एडेंडम डाय के लिए हमें चाहिए एडेंडम। एडेंडम हमारा निकलता है 1/dp से। तो ये आएगा 1/1.2=8.33 mm। और एडेंडम डाया का फॉर्मूला होता है, एडेंडम डाया का फॉर्मूला होता है पीसीडी प्लस में 2 मल्टीप्लाई में एडेंडम। पीसीडी कितना हमारा 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई एडेंडम कितना 8.33। तो इसे सोल्व करके आया हमें 216.66 mm। अब हम निकालेंगे डिडेंडम। डिडेंडम के फॉर्मूला होता है एडेंडम प्लस में क्लियरेंस। जैसे एडेंडम फॉर्मूला होता है 1/dp में डीपी, एडेंडम होता है एडेंडम प्लस में क्लियरेंस। यानी क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है सीपी बाय 2। सीपी कितना हमारा 26.18। तो 26.18 अपॉन में 2, यह आया हमारा 1.309 mm। तो हम निकालेंगे डिडेंडम। तो एडेंडम कितना आया हमारा 8.13। 8.13 प्लस में 1.309, तो आएगा 9.609 mm। अब हमें निकालना डिडेंडम डाया। तो डिडेंडम डाया का फॉर्मूला है पी सी डी माइनस, यहाँ प्लस था माइनस 2 मल्टीप्लाई में डिडेंडम। तो ये पी सी डी 202 माइनस में 9.609 सॉरी सॉरी 69। तो इसका आएगा हमारा 180.72 mm। तो टूथ थिकनेस क्या होती है, यानी जो इसके टूथ की थिकनेस होती है, होती है हमारी सीपी बाय 2, यानी कि 26.18/2=13.09। तो देखिए, हमने डिडेंडम डाया निकाल लिया, एडेंडम डाया निकाल लिया, पीसीडी निकाल लिया, और टूथ थिकनेस निकाल ली, और सीपी निकाल ली। तो हमें चीज़ों की जरूरत थी, ये हमने निकाली। हम निकालेंगे गेयर कैसे बनते हैं। तो हमने डिटेल लिख ली है, पीछे डिडेंडम डाया सी पी और टूथ थिकनेस। तो हमारे पास क्वेश्चन भी है, चीज़ें भी निकल गई, तो हम स्टेप वाइज इसे निकालते हैं। तो स्टेप वन क्या है? हमें एक ओ से विद ओ एस सेंटर, यानी एक सेंटर लेना है जिसका नाम है ओ, और हमें आउटसाइड डाया बनाना है। बोले तो डेंडम डाया, पी सी डी और डेंडम। तो हमारे पास तीनों दे रखे हैं, तो हम इन्हें बनाते हैं। तो हमने स्टेप वन कर लिया है, हमने डेंडम डाया, पी सी डी, डेंडम डाया बना दिए हैं और पी पॉइंट मार्क कर दिया है। अब देखते हैं स्टेप टू। स्टेप टू, एक सेमी सर्कल बनाना है, ओ पी एस डायमीटर इज पी सी डी, जिसकी रेडियस होगी पी सी डी बाई 4, उसका सेंटर का नाम देना है सी वन। यानी कि ओ पी को एक ओ पी से हमें एक सेमी सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस होगी पी सी डी बाई 4। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखें, यहाँ से यहाँ तक हमने सेमी सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस पी सी डी बाई 4 और इसका नाम दे रही सेंटर का सी। स्टेप थ्री है, पी को हमें सेंटर मान के एक रेडियस पी सी डी बाई 8 से एक आर्क बनाना है। तो देखते कैसे बनेगा। तो पी को हमने सेंटर मान के एक पी सी डी बाई 8 का हमने एक सेमी सर्कल बना लिया और इसमें इस सेमी सर्कल को यहाँ कट करा, तो इस पॉइंट का नाम होगा एक्स। तब देखते हैं अगला स्टेप। स्टेप फोर्थ है, ओ को सेंटर मान के हमें एक और सर्कल बनाना है जो एक्स से पास करेगा। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए, हमने यहाँ से एक सर्कल, एक और रेडियस बना दी है।
चाहे इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल मोर देन 30 टीथ हो चाहे लेस देन 30 टीथ हो, बनाने हमें चार पांच गेरी होते हैं शो के लिए। अब देखते हैं अगला स्टेप। अब हमें पीसीडी पे सीपी बाय 2 की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करने हैं 1, 2, 3, 4। रेडियस होनी चाहिए पीसीडी बाय, तो देखते हैं ये कैसे होएगा। तो हमने आर्क ले लिया सीपी बाय 2 की, यानी सीपी बाय 2 कितनी थी, टूल थिकनेस यानी कि 13.09 mm। तो पी पे मार्क करके अब हमें पीसीडी पे पॉइंट मार्क करने हैं। 1, 2, 3, 4, तो पॉइंट मार्क कर दे, इनके नाम देते हैं। तो हमने इन्हें नाम दे दिया 1, 2, 3, 4। अगला स्टेप देख, रेडियस पीसीडी बाय 8 से हमें आर्क ड्रॉ करने हैं इन पॉइंट से, तो देखते कैसे होगा। तो हमने आर्क ले ली है पीसीडी बाय 8 की, अब इन पॉइंट से रख के अब हमें एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ऐसा हमें आर्क लगानी है। हम 2 से रख के लगाएंगे, ये लगाई और हमें राइट साइड ऐसे हमें सब पे लगानी है। तो हमने निशान लगा लिए हैं, तो फिर अब इस वाले पे रख के हम यहाँ से इस लाइन को ले जाएंगे, पास करेंगे। अब हम इस वाले पे रखेंगे लेफ्ट साइड वाले पे, और जो ये तैयार इस समय से पास करेंगे अगले पॉइंट पे रखेंगे, इससे पास करेंगे, इस पे रखेंगे और इससे पास करेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना, तो हमारा गेयर ये बन गया। हमें क्या करना है, ये पोर्शन इतना इतना होना है। अब मोर देन लेस और देन में क्या अंतर था, मोर देन में क्या होएगा, यहाँ पर यहीं तक बनाएंगे इन्हें हम, जो हमारा ये एक्स वाली एक्सिस को कट करा था, फिर यहाँ से हम सीपी बाय 2 से ये यूं मुड़ जाएगी हल्के हल्के सीपी बाय 2 की रेडियस से, लेकिन लेस देन वाले में स्ट्रेट जाएगा, जैसे हमने 24 वाला बनाया था। तो ये जो गेयर है ये हमारा यूं करके बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये गेयर समझ में आएंगे। धन्यवाद मेरे चैनल देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्यम टेक्निक त्यागी का धन्यवाद।